नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं सागजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमोसुते। तप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसूत देवी प्रणमामि हरि प्रियाय। तप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसूत देवी प्रणमामि हरि प्रियाय। वंचकल्पत्रुभ्यश्च कृपा सिंधुभयव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजीति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियायते दुर्लभ कृष्ण भक्ति ही अति ही सरल कारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामिनिति नामिने। नमस्ते भक्ति पदाय प्रभुपाद प्रियायते लीलक्षेत्र परम धाम स्थापितं येन पार्श्व मे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी भक्तों का आज एक बार फिर गीता अमृतम के इस कक्षा में एक नए एपिसोड के साथ सभी भक्तों के चरणों में मैं आप सबका दास राधा रमण दास आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबके चरणों में नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। सभी भक्तों से आशा करता हूं कि मुझे आशीर्वाद देंगे। और आज की इस कक्षा में हम एक बार फिर भगवान की वांग्मय स्वरूप भगवान की अमृतवाणी और भगवान श्री कृष्ण की जो है इस गाथा को एक बार फिर से हम सब यहाँ पर श्रवण करेंगे और उसको अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। लास्ट एपिसोड में हमने जहाँ से जो है कथा को विराम किया था, अब हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 10वें श्लोक से आज की कक्षा को आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा। गुरुदेव शिला मधुसूदन बापूजी सरकार की जय। गुरुदेव शिला भक्तिपाद की जय। परम गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय हो। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 10। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरीक्षितं पर्याप्तं त्वीदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। श्लोक अनुवाद। श्लोक में बताया जा रहा है हमारी शक्ति अपरिमय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अब जैसा कि हमने भगवद गीता के 9वें श्लोक में हमने लास्ट जो हमारा एपिसोड रहा है उसमें हमने देखा कि दुर्योधन किस तरह से अपने गुरु के पास गया और उसने अपने गुरु से चंद बातें कही, सामने वाले पक्ष के सैनिकों का नाम महारथियों का नाम महारथी कहकर लिया और फिर कहा कि अब मैं आपको अपने आप ये ना सोचे कि हमारी शक्ति भी कम है, मैं आपको आज अपनी सेना के नाम भी बताना चाहूँगा। हमारी सेना में आप हैं गुरुदेव, आप
इसको कहते हैं चापलूसी। गुरुदेव आप जहाँ होंगे वहाँ तो विजय होनी ही होनी है, वो ये कहकर उनको और जो है ना प्रफुल्लित करना चाह रहे थे। और आपके अलावा भीष्म पितामह हैं, कर्ण हैं, विकर्ण हैं, अश्वत्थामा हैं, इन सब सेना नायकों का नाम लेकर उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से ये शब्द कहे। अब इस श्लोक में दुर्योधन ये कह रहे हैं कि हमारी शक्ति अपरिमय है, हमारे जितने भी योद्धा हैं हमारी शक्ति बहुत ज़्यादा है, पांडवों की सेना तो सिर्फ बहुत कम है, हमारी शक्ति से बहुत ज़्यादा सीमित है, जबकि हमारे पास आप हैं, भीष्म पितामह हैं, इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, और हमारी जो ये सेना है ये भीष्म पितामह जैसे महानायक के द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संक्षिप्त होकर भी पितामह असीमित है। अब यहाँ पे दुर्योधन ने भीमसेन का नाम क्यों लिया, क्योंकि जो कौरव सेना थी उनका जो सेनापति था वो भीष्म पितामह थे, और पांडवों की सेना का जो सेनापति था वो भीमसेन। तो भीमसेन से तो जन्म से ही, जब से बचपन से दुर्योधन को ईर्ष्या रही, उन्होंने हर वक्त भीमसेन को जो है ना मारने का प्रयास किया, उनको जो है ना हत्या करने का प्रयास किया, बचपन में भी उनको जो है नदी में फेंक दिया, वहाँ पे सर्प जो है नागराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वो विष से बचकर बाहर निकल आए, इस तरह से लाक्षाग्रह में पांडवों को भेज दिया, जलाने का प्रयास किया। तो ये दुर्योधन तो ईर्ष्यालु व्यक्ति था, ये भीमसेन से क्यों करता था ये इस तरह से भीमसेन के साथ, क्योंकि ये जानता था कि कभी कभी भविष्य में इसकी मृत्यु अगर किसी के हाथों होगी तो वो और कोई नहीं भीमसेन ही होंगे, क्योंकि भीमसेन का बल भली भांति उसका अनुमान वो लगा चुका था। दुर्योधन को पता था कि अगर युद्ध कौशल में मुझे कोई परास्त कर सकता है मेरे बल को, और क्योंकि मैं गदा युद्ध में जो है ना बड़ा ही महान हूँ, और अगर मुझसे भी बढ़कर कोई योद्धा है तो वो भीमसेन है। तो भीमसेन से हमेशा उनको एक भय सा लगा रहता था, इसलिए उन्होंने भीमसेन की शक्ति के बारे में बताते हुए यहाँ कहा कि उनकी शक्ति, क्योंकि भीमसेन के पास कम एक्सपीरियंस है, अनुभव उनका बहुत कम है, और हमारे पास तो भीष्म पितामह है, जो उस वक्त युद्ध में भीष्म पितामह की जो आयु बताई जाती है 300 वर्ष की उनकी आयु थी, और 300 वर्ष की आयु में भी वो इस तरह से युद्ध कर रहे थे जैसे कोई 25 साल का नौजवान युवा युद्ध कर रहा हो। तो ये पितामह का कौशल था, युद्ध कौशल, क्योंकि उस युद्ध में पितामह अगर योद्धाओं भगवान श्री कृष्ण को हटाकर अगर योद्धाओं की बात की जाए तो उस युद्ध में भीष्म पितामह से शक्तिशाली कोई नहीं था। अगला श्लोक हम लेते हैं। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। अब यहाँ पे दुर्योधन ने क्या किया, देखा कि मैं अब सिर्फ भीष्म पितामह की ही तारीफ किए जा रहा हूँ, कहीं दूसरे जो सेना नायक हैं वे बुरा ना मान जाए, तो मुझे थोड़ा सा आप इनको भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि वो बोले हाँ ठीक है अगर तुम इनकी तारीफ कर रहे हो तो फिर इन्हीं से लड़वा लो युद्ध को, हम अपना जो है ना हम अपना काम करते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि भीष्म पितामह तुम्हें अकेले ही जिता देंगे तो ठीक है। उसने यहाँ भी चापलूसी करते हुए दूसरे योद्धाओं का, ठीक है भीष्म पितामह भी हमारे साथ हैं और वे बहुत जो है युद्ध कौशल में परामर्श रखते हैं, लेकिन अब वे वृद्ध हो चुके हैं, तो हम सबको चाहिए कि अपनी अपनी दशाओं से भीष्म पितामह की सहायता करें। हो सकता है भीष्म पितामह किसी एक तरफ किसी एक योद्धा के साथ युद्ध करने में व्यस्त हो जाएं, तो हमें दूसरी ओर के नायकों से युद्ध करके उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनको सहायता देनी चाहिए। तो आप सब भी पूरी पूरी अपनी सहायता अपना सहयोग देना भीष्म पितामह को, क्योंकि भीष्म पितामह जब तक युद्ध में थे तब तक कर्ण युद्ध में नहीं उतर रहे थे, भीष्म पितामह की और कर्ण की आपस में नहीं बनती थी, भीष्म पितामह कर्ण को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए जब तक भीष्म पितामह सेनापति थे कर्ण युद्ध में उतरे नहीं थे। आगे बढ़ते हैं श्लोक 12 की तरफ। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। फिर यहाँ पे भीष्म पितामह जी ने क्या किया, उन्होंने उन्होंने भली बात ही समझ लिया इस चीज़ को कि ये दुर्योधन जो है चापलूसी करके मेरी तारीफ करके मुझे ये साबित करना चाह रहा है कि मेरी शक्ति से ये जीत जाएगा, लेकिन भीष्म पितामह तो जानते थे कि सामने कौन है, सामने तो वही
ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सामने तो केवल एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। जहाँ कृष्ण है वहीं तो नीति है, वहीं तो विजय है, वहीं तो धर्म है और वहीं लक्ष्मी भी है। भीष्म पितामह इस बात को भली बात ही जानते थे क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही प्रिय भक्त थे और 12 महाजनों में से एक थे भीष्म पितामह जी, तो वे भली भांति जानते थे इस बात को। उन्होंने दुर्योधन को ये बताने के लिए, ठीक है तुम मुझे अगर ये चाह रहे हो, तुम समझते हो कि मेरी शक्ति से युद्ध जीत सकते हो, तो मैं अपना शंख बजाकर अपना जो कर्तव्य है वो पूरा करता हूँ। और सिंह की गर्जना के समय यानी कि एक शेर की आवाज़ की तरह बजने वाला वो शंख, भीष्म पितामह जब ध्वनि दी उस शंख की, तो दुर्योधन को बहुत ही हर्ष हुआ, बहुत खुशी हुई कि हाँ शक्ति है बहुत, ये मुझे जिता सकते हैं। अगले श्लोक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरई तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे, वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। उसके बाद ये सारी चीज़ें शंख नगाड़े बिगुल सब बजने लगे और युद्ध की जो है ना स्थापना और युद्ध का आरंभ की ये सूचना सबको दी गई कि अब हम युद्ध आरंभ करने लगे हैं। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भीष्म पितामह जी ने जब शंख बजाए तब दुर्योधन को हर्ष तो हुआ, लेकिन उनके शंख से, हालांकि वो जो शंख था वो सिंह की गर्जना रखने वाला शंख था, लेकिन वो शंख पांडवों की सेना में उनके हृदयों को विदीर्ण नहीं कर सका, पांडवों को कोई उसका फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब यहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया तो दुर्योधन की सेना के हृदय विदीर्ण हो गए, हिल गए, कांप गए, ऐसी गर्जना थी भगवान के शंख की। और जब अर्जुन जी ने अपना शंख बजाया तो उन शंखों की तो गर्जना की बात ही कुछ और। क्योंकि जहां भगवान श्री कृष्ण विद्यमान है वहीं तो सब कुछ है ना, वहीं तो सब कुछ, वहीं नीति है, वहीं राज्य है, वहीं सुलक्ष्मी है, वहीं पे ही वैभव है, वहीं पे ही आपकी भक्ति है, वहीं पे ही आपका सब कुछ है। इसीलिए भीष्म पितामह इस बात को भली भांति समझ गए थे, अगर इस युद्ध में किसी की विजय होगी तो वो पांडवों की होगी। हालांकि हमारे पास 11 अक्षौहिणी सेना है और उनके पास सिर्फ 7 अक्षौहिणी सेना है, फिर भी जीत तो केवल जहाँ कृष्ण खड़े हैं, वे अकेले ही पूरे युद्ध का समाप्त करने की शक्ति रखते हैं। उनको क्या, भगवान श्री कृष्ण युद्ध में ना भी आते तो वे तो द्वारका में बैठकर भी युद्ध समाप्त कर सकते थे। भगवान के पास, भगवान की शक्ति सीमित थोड़ी ना है, भगवान चाहें तो वे, उनको तो अवतार लेकर भी नहीं आना पड़े और वे अपने धाम में रहते हुए ही दुष्टों का नाश कर दें, तो वे क्यों आते हैं, वे बार बार क्यों आते हैं इस धरा धाम पर, अवतरित होते हैं इस धरा धाम पर, स्वयं प्रकट हो जाते हैं, कभी अपने किसी नित्य पार्षद को भेज देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं वे? क्योंकि इसी भगवद गीता में भगवान बताते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम्, परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगैव। परित्रणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा करने के लिए आता हूँ। एक बार बड़ी सुंदर कथा आती है अकबर और बीरबल की। तो अकबर ने एक बार बीरबल से प्रश्न किया कि तुम्हारे भगवान ये बार बार क्यों अवतार लेकर आते रहते हैं, क्या ऐसी जरूरत पड़ जाती है, अगर वे भगवान हैं तो उनको खुद आने की जरूरत क्यों पड़ जाती है, बार बार वे अवतार लेते हैं, आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं जैसा कि आपके शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। बीरबल ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको कुछ समय के बाद दूंगा। कुछ समय बाद नौका विहार का जो है ना समारोह रखा गया और राजा ने सब अपने परिवार सहित कहा कि चलो हम नौका विहार के लिए चलेंगे। राजा के साथ उसकी पूरा परिवार गया और उस एक कश्ती में उसके साथ उसका पौत्र भी, छोटा सा बालक, वो भी गया। थोड़ी दूर ही नौका गई होगी कि रास्ते के
नौका में कुछ हलचल मची और जो पौत्र था राजा का वो पानी में गिर गया। अब जैसे ही पौत्र पानी में गिरा तो राजा ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, फौरन से उस पानी में छलांग लगाई और अपने पौत्र को बाहर निकाला और बचाया, बाहर लेकर आ गया। जब बीरबल जी ने ये देखा तो बीरबल जी ने कहा कि आपके पास तो आपने उनसे कुछ वक्त पहले एक प्रश्न किया था, उसका उत्तर मैं आपको आज देना चाहूंगा। बोला क्या? बोला आपके पास तो इतने सैनिक थे, इतना सब कुछ है, आपको खुद अपने पौत्र को बचाने के लिए इस जल में कूदने की क्या आवश्यकता हो गई? राजा ने कहा मेरा पौत्र है, मेरा परिजन है, मेरा परिवार है, मैं नहीं बचाऊंगा तो कौन बचाएगा? उन्होंने कहा इसी तरह हम सब भगवान के पुत्र हैं, हम सब उनके बच्चे हैं, अगर वे हमें बचाने के लिए स्वयं नहीं आएंगे तो कौन आएगा? इसीलिए वे अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए ना आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं। जब उन्हें लगता है मेरे भक्त को मेरी जो है ना आवश्यकता है और अब मुझे जाना चाहिए तो वे अवतरित होते हैं। अरे प्रहलाद को बचाने के लिए आए या दुर्योधन उस हिरण्यकशिपु को मारने के लिए आए? हिरण्यकशिपु तो अपने धाम में बैठकर भी सिर्फ एक आंख के इशारे से उसको हार्ट अटैक दे देते, उसके मन में वहीं उसकी मृत्यु हो जाती, तो क्यों आए? क्योंकि प्रहलाद पर कृपा करनी थी। जब उस खंभ के आगे भक्त प्रहलाद ने कहा कि मेरे प्रभु इसमें है, उस वक्त प्रभु वहां नहीं थे, लेकिन क्योंकि भक्त ने कह दिया था मेरे प्रभु यहाँ पे हैं, तो भगवान को उस खंभ से निकलकर आना पड़ा क्योंकि भक्त ने बोल दिया था। कहते हैं ना कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ के हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपना मान भले टाल देते हैं लेकिन अब कभी भी अपने भक्तों का मान नहीं टलने देते। भक्तों की रक्षा सर्वोपरि है हमेशा। वे खुद गाली खा लेते हैं दुष्टों से लेकिन अपने भक्त की निंदा बर्दाश्त नहीं करते, अपने भक्त का अपराध सहन नहीं करते। यही हुआ इस युद्ध में भी, जब भीष्म पितामह और अर्जुन जब आमने सामने आए और भीष्म पितामह ने अर्जुन को धराशायी कर दिया, तो वो कृष्ण जिन्होंने शपथ ली थी कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं लूंगा नहीं उठाऊंगा, उसी कृष्ण को युद्ध भूमि पर कूदना पड़ा केवल अपने भक्त की रक्षा हेतु, केवल अपने भक्त की पे कृपा करने हेतु। वे कृष्ण कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते। तो हमें उन केशव, उन मधुसूदन, उन ऋषिकेश, उन गोविंद, उन गोपाल, उन विजेंद्र नंदन कृष्ण की हमेशा इसी तरह से सेवा करते रहना चाहिए। हम सब सेवक हैं और वे स्वामी हैं, सेवक और स्वामी का नाता हमेशा इसी तरह से रहना चाहिए। भगवान के नित्य धाम तक भी हम इसी प्रकार से पहुंच सकते हैं जब अपने आप को सेवक समझेंगे, सेवा करने का भाव रहेगा, सर्विस एटीट्यूड अपने अंदर रहेगा, तो ही कृष्ण की सेवा को उद्यत हो सकते हैं। और बिना किसी संकोच के साथ अपने अंदर उत्साह तो पैदा करना चाहिए, अहंकार नहीं पैदा करना चाहिए किसी भी चीज़ का। अगर आज प्रचार कर रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, तो हमें अच्छा है कि उत्साह हमारा बढ़े, लेकिन भगवान से प्रार्थना करनी है भगवान उत्साह तो बढ़ाना लेकिन अहंकार को कम कर देना, खत्म कर देना, अहंकार नहीं बढ़ना, क्योंकि जिस दिन अहंकार बढ़ेगा उस दिन हमारा पतन हो जाएगा। तो वे कृष्ण वे सब सबको जो है रक्षा प्रदान करने वाले हैं, वे हमारी भी रक्षा करेंगे और हमें भक्ति में आगे बढ़ाएंगे। तो आज की इस कक्षा को हम यहीं पे विराम देंगे, इसके आगे जब हम श्लोक में आगे बढ़ेंगे तो हम वहां से इस कथा को भगवद गीता के श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक हमने जो आज लिया है श्लोक नंबर 14 तक, हमने पहले अध्याय के 14 श्लोक तक हमने इस कथा को जो है श्रवण किया है। अब अगले एपिसोड से हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 15वें श्लोक से इस कथा को दोबारा से आरंभ करेंगे और वहां हम जानने का प्रयास करेंगे कि उन श्लोकों में भगवान क्या बताना चाह रहे हैं और दुर्योधन क्या प्रश्न कर रहा है अपने गुरुओं से। गुरुदेव शिला मधुसूदन बापूजी सरकार की, गुरुदेव शिला भक्तिपाद की, परम गुरुदेव शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि भक्त वृंद की जय, श्रीमद भगवद गीता की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।